पूरा, तो वो सही आगम है, तो वो पूरा का पूरा जो है ना, मतलब जो है वो भाई बिल्कुल दार्शनिक है वो तो। क्या क्या भाषा को करना है, तो
ये जो है ना एक यात्रा, मुझे लगता है कि दर्शन जो है वो आप जाने जाने में सब पढ़ते हैं, कई बार उसको उस रूप में आप नहीं जानते कि मैं दर्शन पढ़ रहा हूँ, लेकिन आपको एक तरह से वो माइंड कंट में हर विषय में होगा है। मुझे ध्यान है होम्योपैथी, होम्योपैथी में जो है आप होमो शब्द है, होमो ने समान पैथी, तो अब उसमें जितनी भी दवाएं बनाई है हैनिमैन ने, सर सैमुअल हैनिमैन ने, उसमें क्या है कि वो उसी चीज जिसकी वजह से वो होता है वही चीज उसका इलाज भी है। तो डायमंड कट्स डायमंड, हीरा हीरे को काटता है, इस सिद्धांत पर है। तो ये उसका दर्शन शुरू कि डायमंड कट्स डायमंड, ये उसका दर्शन है। अब क्या देखा कि भाई लोग जो ततैया है, ततैया के काटने से सूजन होता है, कहीं स्वेलिंग हो जाती है, तो देखा कि बहुत तो लोगों में यूरिक एसिड बढ़ने से स्वेलिंग हो रही है और प्रॉब्लम हो रही है, तो उन्होंने ततैये के डंक से दवा बना ली और वो देने पे सूजन ठीक हो जाती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि ये दर्शन शुरू हो गया, अब होम्योपैथी का दर्शन है कि समान इससे करना है, डायमंड कट्स डायमंड, हर विषय का दर्शन। और इसलिए दर्शन से चाहे जाने अनजाने में भी सरोकार हमारा होता है और बहुत लाभकारी, खासकर के लॉजिक का मैं विशेष रूप से उल्लेख करूंगा क्योंकि आप ऋषि की विद्या से हर शास्त्र में आपका था। मैं आता कैसे भी दोनों हाथ से लड़ रही है, एक तरफ सत्य मूर्ति जी का इतना सुंदर व्याख्यान था और दूसरी तरफ रमा जी का निमंत्रण था, कैसे छोड़ता, और जिसने भी छोड़ा है वो बाद में बस आएगा, जब पता चलेगा कितना सुंदर व्याख्यान है। देखिए दर्शन कितना विशाल है वो आपने आप महसूस किया होगा, और मुझे लगता है जो पूरे वर्ष का कक्षा में पढ़ेंगे उसको सत्य मूर्ति देंगे केवल एक या डेढ़ घंटे में आपके सामने स्लाइड्स के माध्यम से रखेंगे, और दृष्टि भी देंगे, ये बहुत बड़ी बात है, किताबों में दृष्टि आपको नहीं मिलेगी, कक्षाओं में दृष्टि आपको नहीं मिलेगी, जो पढ़ने की दृष्टि मिलेगी, रिसर्च की दृष्टि मिलेगी। सत्य मूर्ति जी आप लोग हमारे में से ही आप हैं, तो वहाँ मुझे लगता है कि बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हम सभी जानते हैं, हमारे विद्यार्थी भी जानने लगे हैं आपकी विशेषज्ञता को। बड़ी बात यह है कि आपने बड़ा उपकार किया, आग्रह को स्वीकार किया, स्वयं की तरफ से जो आग्रह आपके पास आया आपने उसको स्वीकार किया, समय दिया और इतनी तैयारी की, आपने नहीं समझा कि हम कहाँ जा रहे हैं, जनरली जब स्वयं कहाँ जाता है हो जाएगा, ऐसा नहीं समझा आपने, पूरी तैयारी की, निश्चित रूप से आपको बहुत बहुत बधाई, और साथ ही सबकी तरफ से हम धन्यवाद भी देते हैं कि आपने समय निकाला। डॉक्टर रमा जैन जी को भी बधाई देना आवश्यक है कि ये सूत्रधार हैं, यदि ये नहीं चाहती तो ये कार्यक्रम कितना भी बढ़िया क्यों ना हो नहीं हो पाता, तो मैं आप इस तरह से सोच रही हैं, विभाग को बढ़ाना चाह रही हैं और इस तरह के कार्यों से विभाग बढ़ेगा, आपके प्रति भी आपका विभाग आभार प्रकट करता है। और हम सब के अग्रज हम लोगों के पिता तुल्य कह सकते हैं डॉक्टर के बी जोशी जी, मुस्कुराता हुआ चेहरा आपका हमेशा ध्यान आता है जब भी जब भी चर्चा होती है, हम सब जानते हैं आप सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लेकिन हमें कभी लगा ही नहीं कि आप सेवानिवृत्त हुए, मुझे लगता है आपसे भी ज़्यादा एक्टिव सर। हाँ जी सभी अपने लेखन कार्य में लगे रहते हैं और लंच का समय हो चुका है, लेकिन आप सब इतनी तत्परता के साथ बैठे हैं, व्याख्यान भी आपने सुना उसके बाद भी आप हमारे साथ बैठे हैं, रुचि ले रहे हैं, जनरली ये रुचि नहीं है, हम लोग कॉलेज में देखते हैं नॉन टीचिंग स्टाफ को आप मैडम ने कह दिया है तो आप फॉर्मेलिटी कर गए, चेहरा दिखा गए, इस दरवाजे से आए इस दरवाजे से चले गए, ये प्रवृत्ति होती है, लेकिन आप सब मैं सबका नाम नहीं जानता हूँ, भारत जी हैं, तमाम आप लोग हैं, आप बैठे हुए हैं और इस कार्यक्रम को आपकी वजह से ज़्यादा सफलता मिली, मैडम को दे दीजिए।
क्यों नहीं आए?
मैं ये मान के चला आप लोग क्लास में आएंगे सब लोग इन टाइम आएंगे और उन लोगों को मोटिवेट करेंगे। मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए जिए, अपने लिए कुत्ते बिल्ली देते हैं। हम लोग कुत्ते बिल्ली पर जीना चाहते हैं क्या? अपने जो जूनियर्स हैं आप उनको मोटिवेट कीजिए, अपना भी लाभ कीजिए और उनका भी लाभ कराइए। धन्यवाद दे रही है, मैं धन्यवाद नहीं दूंगा। हम सब लोग आपके आभारी हैं कि आप अपने व्यस्त जीवन से इतना समय निकाला, आपने क्या इतना कष्ट उठाया और हमको भी बच्चों को किया ही किया, हमको भी लाभान्वित किया, इसलिए हम सब आपके आभारी हैं।